तो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो प्रोग्राम होने वाला है वो सामने इन बच्चों का है, और इनका जो प्रोग्राम है वो उत्तराखंड के जो फूलदेवी त्यौहार होता है उससे रिलेटेड है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। तभी दिन के 2:30 बज गए हैं और अभी मेरी तैयारी है गांव के आकाश कामनी स्टेडियम में जाने की, क्योंकि आजकल एक आध दिन से यहाँ के लोकल जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं तो सभी स्कूलों के बच्चों की वहाँ पर एक आध दिन से रैली हो रही थी, तो आज उसका लास्ट डे है। तो वहाँ पे थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के हैं, तो सभी गांव की महिलाएं जो भी हैं, महिला मंगल दल होता है हमारे यहाँ पे, तो सभी गांव की महिलाएं वहाँ पे जा रही हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं आकाश कामनी स्टेडियम उषाड़ा। तो चलिए जी, घर से हम लोग रास्ता लग गए हैं और गांव के नीचे है आकाश कामनी स्टेडियम, तो वहीं पे सारे कार्यक्रम हो रहे हैं बच्चों के। और मेरे साथ काव्या हो गया और हमारे ननद जी हैं, और तो आस पड़ोस के कोई आए नहीं, तो हमने सोचा हम ही चल देते हैं। वैसे सासू जी जो हैं वो काफ़ी पहले चले गए हैं। तो चलिए जी, इस साइड रह गया है ताला और यहाँ थोड़ी दूर पे है आकाश कामनी स्टेडियम। तो बच्चों के प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, तो अब हम भी नीचे को चलते हैं। तो चलिए जी, मैं भी नीचे फील्ड में आ चुकी हूँ और यहाँ पे बच्चों के प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं पहाड़ी जो वेशभूषा होती है, जो गहने होते हैं उनको पहने हुए पूरे अपने गेटअप में, पहाड़ी जो गेटअप होता है उसमें तैयार हो रही हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चियाँ समूह गान कर रही हैं, मतलब कह रही हैं, और उस साइड जो है छोटे छोटे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं तो वो बैठे हुए हैं। साथ में यहाँ पे जितनी भी कुर्सियाँ लगी हुई हैं उनमें गाँव की महिलाएँ होगी, और इस साइड जितने भी टीचर्स बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए होंगे तो वो लोग बैठ रखे हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे आके अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। जब मैं भी जूनियर में पढ़ा करती थी तो इसी तरह से ऐसे रैलियों में जाया करते थे और ऐसे प्रोग्राम किया करते थे। और अभी यहाँ का सीन ये है, इस तरफ बच्चों की अंत्याक्षरी प्रतियोगिता चल रही है और यहाँ इस साइड जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये था उषाड़ा गांव के बच्चों का कार्यक्रम, जो कि एक गढ़वाली गीत था, और ये गीत जो है पलायन से रिलेटेड गीत है। इसमें बताया गया है कि अगर आपको गांव से शहर की ओर जाना पड़ता है रोज़गार के लिए हो गया या पढ़ाई वगैरह के लिए, तो फिर भी आपको गांव आना ही होगा और आना ही चाहिए। तो बहुत ही अच्छा गाना था, बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मौखिक गाने गाना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। उत्तराखंड का
हेलो हेलो पठानी के बच्चे जूनियर स्कूल पठानी के बच्चे प्लीज कम हियर इधर इधर उधर में जी। यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम थे, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर खेलकूद से रिलेटेड, सभी कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं। तो अब जो है बारी आती है पुरस्कार वितरण की, तो वही अभी यहाँ पे चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट स्तर से लेकर स्टेट तक जो है अपनी भूमिका निभाए।
द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अरुण प्राथमिक तो लो और तृतीय स्थान प्राप्त किया है शुभम प्राथमिक विद्यालय डुंगर। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको और आप इसी प्रकार से जो है अपनी प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन दें। इसके बाद सुलेख प्रतियोगिता हिंदी में जो है दीपिका राजकीय गागरलार, दीपिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय गागरलार ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है शुभम राजकीय प्राथमिक विद्यालय डुंगर। तो उसके बाद विद्यालय पेंज, ऋषिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय पेंज ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं क्षेत्र पंचायत महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप तो चलिए जी, अभी शाम के 5:30 होने को हैं और यहाँ पे जो अभी इनाम किताब दिया जाता है उसका कार्यक्रम अभी चल ही रहा है और हम लोगों की घर जाने की तैयारी हो गई है। और आज के जो प्रोग्राम है वो नॉन कॉपीराइटेड है, सारे जितने भी वे मतलब मौखिक गाने वे सभी के यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ कि सभी के गाने जो हैं अलग अलग करके डालूंगी मैं, क्योंकि ब्लॉगिंग का जो होगा वो पूरा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं एक एक करके डालूंगी। तो चलिए घर चलते हैं और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।